केंद्र सरकार सिवोक रंगपुर रेल लाइन योजना के विस्तार के तहत रेल कनेक्टिविटी को इंडो चीन सीमा तक ले जाने की तैयारी कर रही है। नई रेल लाइन रंगपुर नाथुला वाया सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से होकर चीन की सीमा तक बिछाई जाएगी। जोनल रेलवे रंगपुर गैंगटोक रेल लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट यानी DPR तैयार की जा रही है, जो अगस्त तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। रेलवे बोर्ड सिवोक और रंगपो को जोड़ने वाली लगभग 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लिंक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। अधिकारियों का दावा है कि इस रेल लाइन को बिछाने का काम दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे पूरा कर लेगी। इसके साथ ही रेलवे ने रंगपो से सिक्किम की राजधानी गैंगटोक तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए DPR बनाने शुरू कर दी है, जो तकरीबन 38 किलोमीटर लंबी है। बताया गया कि 3 महीने के भीतर DPR का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसमें एरियल सर्वे के माध्यम से रंगपो गैंगटोक रेल लाइन का अलाइनमेंट तय किया जा रहा है। रेल लाइन से रंगपो गैंगटोक की दूरी 38 किलोमीटर से भी काफी कम हो जाएगी। DPR बनने के बाद रेल लाइन परियोजना की लागत और निर्माण पूरा करने की तारीख तय कर सकेगी। हालांकि गैंगटोक रेलवे स्टेशन को सिक्किम का कमर्शियल हब बनाने की सरकार की योजना है, जिसकी तरफ लगातार कदम उठाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गैंगटोक से चीन की सीमा नाथुला तक रेल लाइन बिछाने की रेलवे बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। गैंगटोक से नाथुला तक सड़क मार्ग की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है। रेल लाइन से दूरी घटेगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। इस नई रेल लाइन बिछाने के लिए जल्द ही DPR बनाने के आदेश जारी होंगे, जिससे निर्माण कार्य शुरू कर दिया जा सकेगा। सिवोक रंगपो, रंगपो गैंगटोक, गैंगटोक नाथुला नई रेल लाइनों के बनने से पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य को काफी ज्यादा फायदा होगा। इससे सीमा पर स्थित नाथुला से देश की राजधानी दिल्ली को सीधे रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसका फायदा रेल यात्रियों के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों को भी होगा। सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि रंगपो गैंगटोक नाथुला रेल लिंक से सेना के लिए सीमा तक पहुँचना आसान हो जाएगा। मौजूदा वक्त में सड़क मार्ग से अधिक समय लगता है। इसके अलावा बर्फबारी में आवागमन बाधित हो जाता है, लेकिन अब 12 महीने 24 घंटे नाथुला पूरे देश के साथ जुड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।